प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की यूपीए सरकार पर निशाना साधा। आज उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल के दौरान नीतीश के 10 साल बर्बाद हो गए, तो राहुल ने नीतीश सरकार को रोजगार पर घेरा। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम नीतीश जी इस खेल को भांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे।